खरगोन का पटाखा बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है। पहली बार देखा गया है कि धनतेरस के दिन भी पटाखा व्यापारी दुकानों पर मक्खियां मारते नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश व किसानों के फसल नुकसानी की वजह से पटाखा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। पटाखा व्यवसायियों की माने तो हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष मात्र 30% ही ग्राहक पटाखा लेने पहुँच रहे हैं। ऐसे में पटाखा व्यापारियों के सर पर यह संकट मंडरा रहा है कि दुकान में भरे पटाखों का कर्ज कैसे चुकाएंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। पिछले साल से 20% आज के दिन हमको सुबह से मतलब फुर्सत नहीं मिलती थी, अभी मतलब सुबह से तो अंडे बैठे, इक्का दुक्का ग्राहकी आ रही है, गांव के सिटी के ग्राहकी नहीं है। कितने % माल बिका होगा अभी? तो मतलब आज ही व्यापार चालू हुआ है, कल तो कुछ भी नहीं था। कल गुरुवार का 8 बजे लगा हुआ था, मतलब ग्राहकी भी मतलब जो किसान की ग्राहकी थी 100-150 वाली वो थी, सिटी की ग्राहकी रात में कुछ भी नहीं थी, पानी आ जाता फिर 2-3 दिन से पानी। उसके बाद में अभी भी आप देख सकते हो सब दुकानदार मतलब नीचे बराबर ग्राहकी है। फटाखों में कोई नई फैंसी आइटम वगैरह नहीं? बच्चों के आइटम में वो टिकड़ी बम है, रस्सी है, मतलब उसमें कलर चेंज हो गए, ज़्यादा जो हर साल की तरह आता है वो इस बार कुल मिला के मध्य के तौर पर दिख रही है। आज धनतेरस का त्यौहार है, पिछले साल क्या था कि मौसम खुला हुआ था और उस वजह से लोगों के पास पैसा भी था, नुकसान नहीं हुआ था। इस साल देखें तो बारिश के कारण किसानों का, आम लोगों का भी नुकसान हुआ है, व्यापारियों का, दूसरी दुकानें भी लग नहीं पा रही हैं। तो उस तरीके से पटाखे में भी यही रहा है कि यहाँ सब कीचड़ वगैरह हो गया है और लोग आ नहीं पा रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, किसान लोगों वगैरह इनका नुकसान हुआ है और हम लोगों का भी नुकसान हुआ है कि भाई 3-4 दिन से मौसम खुला नहीं था और आज खुला है, तो आज भी देख रहे हैं तो भीड़ देखने को मिल नहीं रही है। पिछले साल तो ग्राहकी अच्छी थी, इस साल ग्राहकी नहीं हो पाई है, पटाखे का पैसा कैसे चुका? चलिए तो अब ईश्वर ही है जो कुछ हमारी मदद कर सकता है, बाकी तो हम कुछ कह नहीं पा रहे, लग रहा है कि शायद जेब से करना पड़ेगा। जैसे आपके दुकान पर ग्राहकी नहीं दिख रहे, आप फालतू बैठे हुए, बहुत सारी दुकानें ऐसी मार्केट में। जी जी, तो वो मेरे को लग रहा है कि जान पहचान का भी कुछ है, जिन लोगों की जान पहचान है फ़ोन वगैरह करके बुला रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, व्यापारी वगैरह हैं तो वो ले रहे हैं, बाकी हम लोग जैसे नॉर्मल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं वो लोग बैठे हुए हैं, तो वो नॉर्मल लोगों पर डिपेंड है, वो आएंगे तो ही काम होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप किस तरीके से लोग आ नहीं रहे, फालतू बैठे हुए, तो बारिश के कारण जो कुछ है नुकसान हुआ है किसानों की भी। किसान इसमें बहुत मतलब अहम भूमिका थी उसकी, तो किसान लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से क्या लगाएंगे, इस तरह हम लोगों की हालत। क्या नाम आप? जी प्रवीण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।